नमस्कार, मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया फोर। न्यूज़ इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने दिया ज्ञापन। बुरहानपुर में जिला कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन देते हुए कहा कि देश में बढ़ रहे गैस, डीजल, पेट्रोल के दामों को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय रघुवंशी ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार को जमकर आड़ो हाथ लिया। अजय रघुवंशी ने कहा कि पूरे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने गरीब जनता को परेशान करने के सिवा कुछ काम नहीं किया है। जनता को आर्थिक मदद करने की बजाय केंद्र सरकार गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम तेज़ी से बढ़ा रही है। अजय रघुवंशी ने कहा कि आज महंगाई आसमान छू रही है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई पर रोक नहीं लगाती है तो हम जल्द ही बड़ा आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज यहाँ के पूरे विश्व में क्रूड ऑयल के रेट कम होते जा रहे हैं दिन पर दिन, और हमारे देश की सरकार लॉकडाउन के चलते देश की जनता को सुविधाएं देने के बजाय, कुछ उनको लाभ देने के बजाय उल्टा पेट्रोल डीजल के दाम सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक रूप से बढ़ा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है कि एक तरफ जनता को पूरे 3 महीने में किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक मदद नहीं की, और ऊपर से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाकर हर चीज़ महंगी कर रहे हैं। जब ट्रांसपोर्टिंग महंगी होंगी तो हर चीज़ महंगी होंगी, तो जनता पर अत्याचार और जनता को परेशान करने का काम मोदी सरकार कर रही है। तो हमने महामहिम राष्ट्रपति से मांग की है कि तुरंत डीजल पेट्रोल की कीमतें कम की जाए और ये सरकार को समझाइश दी जाए कि धारा 144 के पर लगाकर जिस प्रकार से आपने जनता का गुस्सा फूटने का काम को रोक के रखा है तो ये ज़्यादा दिन दबेगा नहीं। आप पेट्रोल डीजल का दाम कम करें, और नहीं तो भविष्य में हम जनता के साथ खड़े होकर उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। इससे जवाबदार देश की सरकार होगी। शरद जी को जिलाध्यक्ष ने, आप हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फोर्थ पर बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब